दोस्तों आज का एक नया चैनल और नया वीडियो में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आया हूं कोयम्बतूर आदियोगी स्टैचू पे। मैं सोचा आप लोगों को भी आदियोगी स्टैचू का दर्शन करवा लेते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि कोयम्बतूर पे जो स्टैचू है वो कैसे आना है आप लोगों को। कोयम्बतूर टाउन से 40 किलोमीटर दूर है ईशा योगा सेंटर, यह है उसका लोकेशन। और आदियोगी जो स्टैचू है वो स्टैचू 24 फरवरी 2017 को उस स्टैचू का उद्घाटन हुआ था हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इस स्टैचू का उद्घाटन किए थे, इस स्टैचू का डिज़ाइन किए थे सदगुरु श्री जग्गी वासुदेव महाशय जी। इस स्टैचू का हाइट 34 मीटर्स 112 फीट है। तो मैं आपको अभी लेके जाऊंगा, लेके जाके दिखाऊंगा कैसा है वो स्टैचू। आप लोगों को देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अगर आप भी आना चाहते हो तो आ सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ का जो नज़ारा है और जो क्लाइमेट है ना, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मन को शांति मिलता है। एक बार आप आके उसके बाद ही इस बात को समझ पाओगे। ये जो स्टैचू है ना, वो स्टैचू को श्री श्री शंकर महादेव जी, हमारा भोलेनाथ जी को डेडिकेट करके इस स्टैचू का निर्माण किया गया है। इस स्टैचू का जो मुद्रा है वो ध्यान मुद्रा है। शंकर जी को यहाँ पे ध्यान करते हुए आप लोग देख पाओगे। ध्यान मुद्रा के कारण ही इस स्टैचू का नाम दिया गया है आदियोगी। देखिए यहाँ पे चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ के बीच है हमारे आदियोगी जी। तो यहाँ पे सुंदर से वो बैठे हुए हैं लोगों को, जो योग निद्रा है, योग निद्रा का ज्ञान देते हुए। जैसे गाइस आप लोग देख पा रहे हो, बहुत से लोग यहाँ पे हर दिन घूमने के लिए आते हैं, श्री श्री शंकर जी का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो सोचे हम भी एक बार आ जाते, तो इसलिए हम लोग का आना हुआ। अभी यहाँ पे एक बार आइए, आके श्री श्री शंकर महादेव का दर्शन करके जाइए। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा, कम से कम 1 से 4 ब्लॉग बनाने वाला हूँ तो मेरा नया चैनल के लिए। अगर आपने मेरा पुराना चैनल को नहीं देखा हो तो मेरा पुराना चैनल का नाम है टेक्निकल सुभाष। चैनल को सर्च करके या फिर मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे दूँगा, क्लिक करके आप डायरेक्टली उस चैनल को देख सकते हो। वीडियो को देख के अगर वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग आज भी स्टैचू को देखने के लिए बेसब्र हो रहेंगे, तो ये रहा आप लोगों के सामने। आज का क्लाइमेट थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए जो वीडियोस अच्छा नहीं आ रहा है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितना सुंदर है ये नज़ारा। आप लोग देख पा रहे हो कि कितना लोग डेली यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। चारों तरफ पहाड़ और सामने बाबा जी का स्टैचू। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे मेन पूजा होता है। यहाँ पे पूजा होने के बाद ही ऊपर लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। एक बार अच्छा से आप लोगों को दिखाने का कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे पूजा किया जाता है, यहाँ पे आके आप भी अपना मन्नत को मांग सकते हो। तो चलिए आप लोगों को लेके जाता हूँ। तो स्टैचू है स्टैचू का ठीक बगल में। देखिए फ्रेंड्स, मैं जितना भी करीब आ रहा हूँ स्टैचू का साइज़ बड़ा होते जा रहा है। मैं पूरा सामने आ चुका हूँ स्टैचू का। अभी देखिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कितना बड़ा हो सकता है ये। अगर आप सामने से अगर देखोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा देखने को। आइए एक बार आके आप दर्शन करके जाइए, मन को बहुत शांति मिलता है। मेरा आवाज़ शायद आप लोगों को क्लियरली नहीं आ रहा है, क्योंकि 12 घंटे का जर्नी करके आया हूँ, इसलिए गला तरह बैठ गया है, ठंड लग गया है और रात को थोड़ा बारिश भी हुआ, इसीलिए कुछ गले में कुछ खराश हो गया है। तो फिर भी आप लोग एडजस्ट करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग है, इसलिए मैं इतना अच्छा से कर पाऊँगा क्योंकि नहीं, मुझे नहीं पता। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। फ्रेंड्स, इस स्टैचू को देखने में लग रहा है कि ये पत्थर का है या मिट्टी का है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये स्टील का बना हुआ है। मैं आप लोगों को बताया था कि कम से कम इसमें 5 टन स्टील का यूज़ किया गया है, उसके बाद ही ये स्टैचू अच्छे से खड़ा हो पाया है।
यहाँ पे फ्रेंड्स ओनली इंडिया का नहीं, इंडिया का बाहर से भी लोग आते हैं आके यहाँ पे योग विद्या को सीखते हैं। तो आप भी चाहो तो यहाँ पे आके योगदान कर सकते हो। हवा भी बहुत तेज़ चल रहा है इसलिए आवाज़ भी ठीक तरीके से नहीं आ रहा है, तो एडजस्ट कीजिएगा इस वीडियो में क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। जैसे भी लोग आते हैं आगे यहाँ पे आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, योग करते हैं, सभी यहाँ पे शिव भक्त है। ये तो शायद करते हैं। मैं अब उन लोगों से बात करने का कोशिश किया था लेकिन वो लोग ध्यान में इतना ही मतलब लीन है कि किसी बात का जवाब भी देने के लिए मतलब इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं सोचते किसी के बात से भी। कोई भी अगर उन लोग का ध्यान करने का समय अगर कोई भी उनके साथ बात करते हैं तो कोई भी उनका किसी को भी वो जवाब नहीं देते क्योंकि ध्यान एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। शिव जी के नाम पे लोग इतना ही मतलब ध्यान में लिप्त हो गए कि एक चीज़ देखा बहुत ही अच्छा लगा मेरे को देख के। एक छोटी उम्र का लड़की है वो शिव जी का ध्यान करते करते शिव जी का स्टेचू को प्रदर्शन करते करते शायद पैर में चोट आ गया है, खून निकल रहा है, तभी भी रुक के खून को देखने का समय नहीं, इतना ही ध्यान में लिप्त होते हैं भगवान शिव जी का। तो एक तरह से देखा जाए तो वो सही भी है क्योंकि भगवान का नाम नहीं लेने से ज़िंदगी का जो मेन काम होता है वो नहीं होता अच्छा से। सो फ्रेंड्स अभी आज से जाने का वक्त हो गया है क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा था कि आज एक ब्लॉग नहीं कम से कम दो या तीन ब्लॉग बनेगा, तो इसलिए दूसरा जगह भी जाना है। तो मैं अभी जाते जाते आप लोगों को जो एंट्रेंस है और एग्जिट पॉइंट है आप लोगों को दिखाऊंगा। और आदियोगी स्टैचू का विषय में अगर आप और भी ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप लोग गूगल का यूज़ कर सकते हो, गूगल में सर्च करके आप लोग उसका पूरा डिटेल्स को चेक कर सकते हो। तो चलिए जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि उसका एग्जिट और एंट्रेंस कहाँ पर है। यहाँ से आप लोग देख रहे हो बहुत ही अच्छा लग रहा है जो स्टैचू है। और स्टैचू का पे देखिए ये जो मैदान दिख रहा है आपको सफ़ेद जैसा, यहाँ पे जब इस स्टैचू का उद्घाटन हुआ था उस टाइम हमारा सदी का महान कलाकार कैलाश खेर जी उनके बैंड के साथ यहाँ पे आए थे और यहाँ पे एक बहुत बड़ा फंक्शन किया गया था। साथ में हमारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी थे। तो जाते जाते यहाँ पे और एक जगह है जिस जगह का नाम है सूर्या कुंड, पता नहीं वहाँ पे देखने को क्या मिलेगा लेकिन मैं आप लोगों को एक बार लेके जाऊँगा। यहाँ से आप पानी भी ले सकते हो, पीने का पानी भी यहाँ पे मिल जाएगा। ये हमारा मनोज सर जो है अभी पानी पी रहे हैं, सुबह से हम लोग कुछ भी नहीं खाए मंदिर आने का चक्कर में। देखिए दोस्तों चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ और बीच में हमारा बाबा जी का स्टेचू, मन को बहुत शांति मिलता है यहाँ पे आके। मैं तो पहले कभी भी यहाँ पे नहीं आया, तो इस तरफ से आके अगर आप चाहते हो यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट कर सकते हो। एक बार वो यहाँ पे ब्रेकफास्ट का दुकान खुला हुआ है, यहाँ पे आप लोग इडली सांभर डोसा पोंगल ये सब आप लोगों को खाने को मिल जाएगा जो साउथ इंडियन स्पेशल फूड है। सो बहुत समय से हम लोग घूम रहे थे तो पेट में भी बहुत भूख लग गया है, तो हम लोग कुछ खाएँगे, शायद पोंगल खाएँगे। चलिए आप लोग तो मेरे साथ खा नहीं पाएंगे, देख पाएंगे साउथ इंडियन पोंगल साउथ। ये देखिए दोस्तों साउथ इंडियन पोंगल। दोस्तों जैसे कि हम लोग नॉर्थ में खिचड़ी पकाते हैं तो उसको भी ऐसे ही पकाया जाता है, मतलब इसमें सब्जी वगैरह नहीं होता है, तो हम जो खिचड़ी पकाते हैं उसमें सब्जी वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी कुछ स्मॉल नाश्ता करके यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस हम लोग ब्रेकफास्ट करके अभी निकल रहे हैं, तो जाते जाते आप लोग को ये दिखाऊंगा कि कैसे एग्जिट होना है और कैसे एंट्री होना है। लास्ट एक बार बाबा जी को देख लीजिएगा। तो ये है हमारा एग्जिट पॉइंट, यहाँ से आप लोग आ भी सकते हो यहाँ से जा भी सकते हो लेकिन समय जाते ही आप ये दो रास्ता बन जाता है, तो कौन सा रास्ता पे आप लोगों को जाना है
ये दिखाऊंगा। जाते जाते यहाँ पे बैलगाड़ी भी देख लीजिए। अब अगर आप यहाँ पे आओ तो बैलगाड़ी भी चल सकते हो। यहाँ पे देखिए सभी योग करने के लिए, अभी स्नान कुंड में स्नान करके आराधना करने के लिए आ रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग जब पहले आए थे तब कम था, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे आप लोगों को पृथ्वी का हर जगह का लोग मिल जाएगा ध्यान में लिप्त। देखिए दोस्तों, ये जो है एग्जिट पॉइंट, अब यहाँ से जाके डायरेक्ट गेट का बाहर भी निकल सकते हो। और राइट पे जो रोड देख रहे हो, यहाँ से जाके अंदर होके उसके बाद बाहर निकल सकते हो। तो आप जब आएंगे यहाँ पे आके अच्छे से इस जगह का लुत्फ लीजिएगा, मन को बहुत शांति मिलेगा। और आप लोगों को इस जगह का एक खासियत के बारे में बता देता हूँ, यहाँ पे दिन रात 24 घंटे महादेव का भजन चालू रहता है। हर जगह साउंड बॉक्स लगा हुआ है, उसी जो भजन है, भजन को जाप करते हुए सभी भक्त यहाँ पे आते हैं, आके प्रदर्शन करते हैं। बहुत ही अच्छा एक परिवेश है यहाँ पे, मनस्थिति को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा परिवेश है। तो एक बार आके आप लोग देख सकते हो। ये देखिए शायद ये जो महाशय आ रहे हैं शायद अमेरिका से हैं, तो वो भी अब यहाँ पे आके आराधना कर रहे हैं महादेव जी का। तो दुनिया में सभी अभी चेंज हो रहे हैं, सभी शायद पहले इंसानियत का जो महत्व है वो नहीं समझते थे, लेकिन अभी सभी इंसानियत का जो महत्व है वो समझ रहे हैं धीरे धीरे। सो आप लोग इसी रोड पे सीधा चले आइएगा, कम से कम 700 मीटर होगा जो स्टेचू है, स्टेचू से 700 मीटर होगा, सीधा चले आइए। चले आने के बाद आप लोग को जो एग्जिट पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट मिल जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को जो साउंड बॉक्स का बात बोल रहा था वही है। देखिए हर जगह ये लगा हुआ है और दिन रात 24 घंटा यहाँ पे भजन चलता रहता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, हम लोग बाहर आ चुके हैं करीब करीब। सामने देखिए एक बहुत ही बेहतरीन भगवान शिव जी का स्टेचू है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनोरम है देखने के लिए, देख सकते हो आप। और स्टेचू का ठीक लेफ्ट में आप लोगों को जो एग्जिट पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट मिल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को मैं सूर्य कुंड भी दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया है। अभी यहाँ पे जाने से पहले मोबाइल जमा कर करना होता है, अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो इसी कारण मैं आप लोगों को अंदर का जो नज़ारा है वो नहीं दिखा पाऊँगा। आप लोग जब आएंगे उस टाइम देख लीजिएगा। तो उसी का नाम है सूर्यकुंड। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे अभी मोबाइल और मेरा सामान जो भी है जमा कर दूँगा, जमा करके अंदर जाके सूर्यकुंड का दर्शन करके आऊँगा। सूर्यकुंड पे नहा के सभी जो भक्त है, भक्त जाके मंदिर या फिर जो स्टैचू है, स्टैचू को दर्शन करके आते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, कतार पे लोग खड़े हैं। यहाँ पे जाके आप लोग अपना मोबाइल और आपका जो सामान है, सामान को जमा करना पड़ेगा, जमा करके आपको अंदर जाना पड़ेगा। हे गाइस, अभी हम निकल गए हैं। तो दुख यही बात करेगा कि मैं आपको सूर्यकुंड नहीं दिखा पाया, तो आप लोग जब आओगे तब देख लीजिएगा। तो अभी देख लीजिए जो एंट्रेंस पॉइंट है वो कहाँ पे है। देखिए देखिए, ये जो देख रहे हो आप बस स्टॉप है। आप यहाँ से देखिए, बस नंबर भी आपको दिखाई दे रहा है 14D। अगर आपको यहाँ पे आना है तो 14D नंबर बस पे चल के यहाँ पे आ जाना है। अगर आपको कोयम्बतूर से आदियोगी टेम्पल आना है तो आप लोगों को क्या करना है, 14D जो बस नंबर रहेगा, रेड कलर का बस रहेगा, उसी बस से आ जाना है। आके ये है बस स्टैंड, यहाँ पे आप उतरोगे, उतरने के बाद सीधा यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप पूरी जगह को घूम सकते हो। गाइस, ये मेरा चैनल का पहला ब्लॉग है, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लेते रहूँगा। सो गाइस, मिलते हैं अगले कुछ ब्लॉग के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।